सर्दियों में गर्मा गर्म सूप पीने का मजा ही कुछ अलग है, और अगर ये सूप स्वीट कॉर्न वेज सूप हो तो क्या बात है। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न वेज सूप 3 मिनट के अंदर, मात्र 3 मिनट के अंदर। इसके लिए हम ले लेंगे कुछ स्वीट कॉर्न्स, कुछ कॉर्न कैनल्स, कुछ कटी हुई सब्जियां। अब देखिए, एक वॉक अथवा पैन में पानी गर्म कर लेते हैं। आज लगभग मैं एक पोर्शन सूप यानी कि लगभग 200 ml से कुछ कम सूप बना रहा हूं। पानी को तेज आंच में गर्म कर लें, और इसमें अब डालना है हमें हमारा स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बाजार में आजकल आसानी से मिल जाता है। वैसे अगर ये ना मिले तो अमेरिकन कॉर्न्स को एक मिक्सी में 2-3 बार चला लें, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। स्वीट कॉर्न में कॉर्न क्रीम और कॉर्न कैनल्स दोनों ही होते हैं। ये डालने के बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दें और पानी को गर्म होने दें ताकि ये आसानी से आपस में मिल जाए। और अगला स्टेप होता है देखिए इसमें ब्रॉथ पाउडर डालने का। जो ब्रॉथ पाउडर होता है एक सुपर सीजनिंग होती है, ये भी बाजार में आजकल मिल जाती है, नौर कंपनी की तो बहुत कॉमन है। अब स्वीट कॉर्न वेज सूप के ऊपर का जो ये फ्रॉथ है ना, इसे हटा दें, ये आपका सूप का रंग खराब कर देगा नहीं तो। अब ये मिला दी सुपर सीजनिंग यानी कि हमारा ब्रॉथ पाउडर, या मैगी क्यूब्स का इस्तेमाल कर लें, डाल दी थोड़ी शक्कर, वो अपनी मर्जी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दें। अब देखेंगे सूप थोड़ा थिकन ऑलरेडी होना शुरू हो चुका होगा। अब बारी है थोड़ा सा थिकनिंग एजेंट डालने की इसमें। उसके लिए हम एक काम करेंगे, सूप में डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च जो पानी में घोल के पहले से रख लिया था, और सूप को आप थिक कर लें। बहुत ज़्यादा थिक मत करिएगा, नहीं तो सूप पीने का मज़ा ही खत्म हो जाता है। सूप अब लगभग थिक हो चुका है, इसमें अब बस कटी हुई सब्जियां ही डालनी है। कटी हुई सब्जियां डाल लें, चाहे थोड़ी वाइट पेपर डाल लें, बाकी कॉन्डिमेंट्स तो टेबल पे देखिए रखे ही होते हैं। बहुत से लोग इसमें चिली सॉस, सोया सॉस भी मिला लेते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो, खाने में देखिए कोई लिमिट्स नहीं है। ये मिला दिए कॉर्न और कटी हुई सब्जियां, एक बार दोबारा मस्त गर्म कर दें इसको, और सूप हमारा लगभग तैयार है। अब इसे बस अब परोसने की देरी है। गर्मा गर्म सूप को एक सूप बोल में सर्व कर दें, और सर्दी का मौसम है, सूप का मजा उठाएं। रेसिपी कैसी लगी है आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बहुत ही मोटिवेशन बना रहता है। अगली रेसिपी मैं हॉट एंड साथ चिकन सूप की लाने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।